हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में आपको सिमेंटिक सर्वर डाटाबेस मैनेजमेंट और सर्वर सर्टिफिकेट के बारे में बताता हूँ। आइए देखते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे और सर्वर सर्टिफिकेट को कैसे बैकअप लेंगे और इसका क्या यूज है। तो उसके लिए एडमिन में आएंगे। एडमिन से आने के बाद आप सर्वर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सर्वर में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे मैनेज सर्वर सर्टिफिकेट। मैनेज सर्वर सर्टिफिकेट जो ये है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो उसमें तीन ऑप्शन है, अपडेट द सर्वर सर्टिफिकेट, बैकअप द सर्वर सर्टिफिकेट और जनरेट ए न्यू सर्वर सर्टिफिकेट। तो सर्वर सर्टिफिकेट का यूज क्या है? तो सर्वर सर्टिफिकेट उस केस में सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है जब आपका सर्वर क्रैश हो जाता है, या सर्वर को माइग्रेट करते हैं, या एक कोई नया सर्वर सेटअप करते हैं। तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट इस पुराने सर्वर का सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है जब हम उसको पुराना नया सर्वर रिस्टोर करते हैं। तो सर्वर सर्टिफिकेट को हमेशा आप बैकअप रख लेना चाहिए। तो इसको मैंने सर्वर सर्टिफिकेट, नेक्स्ट बैकअप द सर्वर सर्टिफिकेट, नेक्स्ट यहाँ पे ये आपका सर्टिफिकेट सेव हो जाएगा, नेक्स्ट फिनिश। सर्वर सर्टिफिकेट ये क्रिएट किया हुआ और एक ये रिकवरी। तो ये सर्वर सर्टिफिकेट बैकअप है, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए जब भी नया सर्वर सेटअप करें तो इस सर्वर को सर्टिफिकेट को बैकअप रख लेना चाहिए, वो रिकवरी टाइम में ज़रूरत पड़ती है इसका। अब आते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट के बारे में कि जो सिमेंटिक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर है तो उसका डाटाबेस मैनेजमेंट में क्या करना होता है। तो उसके लिए आप लोकल होस्ट में आ जाएंगे। लोकल होस्ट में आप देखेंगे टास्क में चार ऑप्शन हैं, एडिट डाटाबेस प्रॉपर्टी, बैकअप डाटाबेस नाउ, ट्रंकेट ट्रांजेक्शन लॉग नाउ, रिबिल्ड इंडेक्स इंडेक्स नाउ। रिबिल्ड इंडेक्स नाउ का यूज क्या है कि आपको डाटाबेस को रिबिल्ड करना होता है, जैसे डाटाबेस में कोई कोई इशू है या कुछ प्रॉब्लम है तो रिबिल्ड कर देते हैं, तो ये डाटाबेस की इंडेक्सिंग हो जाती है। तो अगर किसी तरह के कोई डाटाबेस में कोई प्रॉब्लम होती है तो इससे रिजॉल्व हो जाता है। ट्रंकेट ट्रांजेक्शन लॉग, ट्रांजेक्शन लॉग ट्रंकेट करने का ये यूज है कि जैसे बहुत से क्लाइंट्स के लॉग होते हैं, इवेंट्स लॉग होते हैं, अलार्म होते हैं, जनरेट होते हैं, तो वो डाटाबेस में सेव होते हैं। तो आप उन सब लॉग्स को आप क्लियर करने के लिए होता है, तो लॉग को पर्ज करने के लिए होता है, तो यहाँ से आप ट्रंकेट कर सकते हैं। रन और अगर कॉल कर देते हैं तो आपके जो लॉग्स शो करे हैं इसके क्लियर हो जाते हैं। और थर्ड ऑप्शन है बैकअप डाटाबेस नाउ। अब यहाँ पे देखेंगे जो मैंने ट्रंकेट ट्रांजेक्शन लॉग है तो यहाँ पे प्रोसेस चला, ट्रांजेक्शन लॉग, ट्रांजेक्शन सक्सेस एंड फिनिश्ड, ट्रांजेक्शन लॉग लॉग ट्रांजेक्शन स्टार्टेड एंड सक्सेस, तो लॉग क्लियर हो गया। अब आता है कि बैकअप डाटाबेस नाउ। वैसे बाय डिफॉल्ट डाटाबेस का बैकअप शेड्यूल किया होता है कि कब कब बैकअप लेना हो। अगर आपको कभी रिसेंटली मैनुअली बैकअप लेना होता है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे
आर यू श्योर वॉन्ट टू बैकअप द साइट एट दिस टाइम। तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपका डेटाबेस का इसका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद तो वो इंस्टॉल्ड फोल्डर में ये डेटाबेस सेव हो जाएगा। अब आते हैं डेटाबेस प्रॉपर्टी के बारे में कि हम इस डेटाबेस प्रॉपर्टी का क्या यूज है, क्या-क्या सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम है डेटाबेस मेंटेनेंस टास्क, ट्रंकेशन डेटाबेस लॉग्स, जो मैंने यहाँ पर ट्रंकेट मैन्युअली किया था, आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। और जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी 4 आवर सेट है, तो आप एवरी 4 आवर में वो ट्रंकेट करता रहेगा। रिबिल्ड इंडेक्सिंग, आप डाटाबेस को इंडेक्सिंग कर सकते हैं उसका वीकली एट 2 PM ऑन संडे। ये रिबिल्डिंग का ऑप्शन भी शेड्यूल किया हुआ है, आप इसको शेड्यूल को वीकली, डेली या स्टार्ट एवरी संडे मंडे, इसको शेड्यूल चेंज कर सकते हैं। एवरी 4 आवर, 8 आवर, जैसा भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको शेड्यूल कर सकते हैं। लॉक सेटिंग, जो मैनेजमेंट सर्वर लॉक सेटिंग है, क्लाइंट लॉक सेटिंग है, जो इवेंट्स होते हैं लॉक्स होते हैं, और क्लाइंट के क्लाइंट एक्टिविटी लॉग, सिक्योरिटी लॉग, ट्रैफिक लॉग, पैकेट लॉग, कंटेंट लॉग। तो ये इसमें सेट ये है कि कितनी एंट्री सेव रहेंगे और कितने दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये एंट्रीज है और एक्सपायर 60 डेज, तो ये सेट किया हुआ। रिस्क लॉग, डिलीट रिस्क एवरी रिस्क इवेंट आफ्टर 60, तो ये ड्यूरेशन सेट किया हुआ है। तो इसको अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और आता है नेक्स्ट बैकअप सेटिंग। तो सर्वर का बैकअप का है, जैसे कि अगर एक से ज़्यादा सर्वर है होता है तो यहाँ पे लिस्ट आती। अभी तो एक ही सर्वर है, ये खुद अपना एक इंडिविजुअल सर्वर है, तो एक ही लिस्ट में आ रहा। बैकअप का जो पाथ है, सी प्रोग्राम फाइल्स, सिमेंटेक, सिमेंटेक इंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर, डाटा और बैकअप, वहाँ पे इस डाटाबेस का बैकअप सेव होता रहेगा। और नंबर ऑफ बैकअप टू कीप, यहाँ पे आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि आप कितना बैकअप सेव कर सकते हैं, एक बैकअप, दो बैकअप, तीन बैकअप, जैसा भी है, उतना ही बैकअप ये स्टोर करेगा और नया बैकअप सेव होता रहेगा और पुराना जो है बैकअप डिलीट होता जाएगा। तो अभी यहाँ पे एक रखा हुआ है, आप दो भी रख सकते हैं, तीन भी रख सकते हैं। और बैकअप शेड्यूल, जो बैकअप है डाटाबेस का, आप शेड्यूल कर सकते हैं कि कब कब बैकअप हो। तो आप यहाँ पे आवरली, डेली और वीकली है, तो ये आप अपने स्टोरेज और सर्वर परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन नंबर ऑफ क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्रिटिकलिटी के ऊपर, या बैकअप जो है कितना रखना चाहते हैं, आवरली, डेली या वीकली, तो उसको सेट कर सकते हैं और शेड्यूल कर सकते हैं कि कितने बजे वो बैकअप हो, और शेड्यूल कर सकते हैं किस डे में वो बैकअप हो। तो इस तरह आप बैकअप रख सकते हैं। और आइए देखिए, चेक करते हैं कि कोई भी बैकअप सिमेंटेक का है या नहीं है। तो आप इस बात में आते हैं, सी में जाते हैं, प्रोग्राम्स फाइल्स, सिमेंटेक, सिमेंटेक इंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर, डाटा, बैकअप। ये देखिए एक बैकअप है इसमें, जो कि 12/9/2019 का बैकअप है। तो ये बैकअप सेट किया हुआ है, रखा हुआ है। और तो इस तरह वहाँ पे उस फोल्डर में बैकअप सेव होता है। और सेफ्टी पर्पस से ये किया जाता है कि बैकअप को आप किसी
डिफरेंट स्टोरेज सर्वर पे रखनी चाहिए, जैसे कि आपकी सर्टिफिकेट, डेटाबेस बैकअप और सर्वर प्रॉपर्टीज। ये तीनों चीज़ें जो है किसी अदर सर्वर पे मूव करते रहना चाहिए, उस किसी के लिए कि इनकेस अगर आपका सर्वर क्रैश होता है या रिकवरी चलानी होती है, तो वो तीनों सर्वर प्रॉपर्टी, सर्वर सर्टिफिकेट और सर्वर का डाटाबेस बैकअप, इन तीनों की ज़रूरत होती है डाटाबेस सिमेटिक इनपुट प्रोटेक्शन मैनेजर को रिकवर करने के लिए। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि सिमेटिक इनपुट प्रोटेक्शन मैनेजर को रिकवर कैसे करेंगे या माइग्रेट कैसे करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना ही डाटाबेस प्रॉपर्टी के बारे में है। तो इस तरह आप डाटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं और सर्टिफिकेट के बारे का सर्टिफिकेट का बैकअप अपडेट कर सकते हैं।